हेलो दोस्तों, मैं हूँ यश और आप देख रहे हैं टैलेंट हंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस एम्पलीफायर की। एम्पलीफायर नहीं फ्रेंड्स, ये तो टोप है जो कि आपको दिखा दे। इसमें 10 इंची के दो लगे हुए हैं और ऊपर एक हाइज लगी हुई है और यहाँ पे ये सारे कंट्रोलर है माइक के। ये डीबी सेट करने के फ्रेंड्स, फ्रिक्वेंसी कंट्रोलर है। और यहाँ पे हमारी म्यूजिक लेवल लाइट लगी हुई है। यहाँ पे ब्लूटूथ लिखा है फ्रेंड्स। ये ऑन ऑफ का स्विच है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या बन रही है वो देख ले फ्रेंड्स। पहले प्रॉब्लम ये बन रही है इसमें कि इसको आवाज़ थोड़ी सी फालतू खोलते ही इसमें कट मारने लग जाती है आवाज़, और ये डीजे चलता नहीं है। तो इसी का आज समाधान लेके आए हैं। तो इसको इसमें एक ट्रोडल ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है जिसमें कि मेन एसी वायर है। यहाँ पे फ्रेंड्स 35035 12012 ये वाली ग्रीन और ब्लैक और ग्रीन, और ये 09 वाइट वाइट। तो ऐसे इसमें वोल्टेज दी गई है। 10 वायर का ये ट्रांसफार्मर है और 300 वाट का ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स। ये काफ़ी अच्छा कॉपर के अंदर दिया गया है और इसमें 5219/43 का पेयर वाला स्टीरियो एम्प यूज़ किया हुआ है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ये बनाया गया है फ्रेंड्स। आपको दिखा देना चाहता हूँ मैं। तो ये देखिए, ये एक थर्मल के लिए ऑटो कट करने के लिए है फ्रेंड्स। ये यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाए हैं हीट सिंक के पास, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ड्राइवर स्टेज में इनका नंबर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है 669A और सेकंड वाला है इसमें 649A। तो ये ड्राइवर स्टेज में यहाँ पर यूज़ किए गए हैं और इसका काफ़ी अच्छा ड्राइवर स्टेज बिल्डअप है फ्रेंड्स। इसमें कैपेसिटर की वैल्यू आपको दिखाता हूँ मैं। वीडियो में आ नहीं रहा फ्रेंड्स, इसको सीधा कर देता हूँ। अब देखिए 63 वोल्ट 4700 UF में इसके कैपेसिटर है इसके। फ्रेंड्स वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है इसमें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वायर छोटे दिए गए हैं ताकि ये बोर्ड बाहर नहीं निकल पा रहा है इसी कारण। तो कोई नहीं फ्रेंड्स, हमें इसकी रिपेयरिंग करनी है। आपको दिखाएंगे क्या फॉल्ट है। वीडियो में बने रहे। जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और एक लाइक ज़रूर बनता है फ्रेंड्स। जिसको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स प्लग इन करते हैं इसका। देखिए अब मैं सॉन्ग प्ले करता हूँ एक। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे कट करने लग जाता है ये आवाज। आप देख सकते हैं यहां से आवाज कम करने पे आवाज सही आने लगती है। देखिए देखिए कट करने लग गया। और यहाँ पे आवाज़ सुनेंगे तो उससे पता लगेगा कि इसकी यहाँ पे एक रिले लगी हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रिले लगी हुई है जिससे ये कट कर रही है आवाज़ को। मैंने बाकी यहाँ से एक वॉल्यूम बदल के देख लिया था फ्रेंड्स पहले, जिससे कि दिक्कत नहीं हल हुई। तो मैंने इस बोर्ड को पलट लिया है और अब इसको हम प्लग इन करते हैं। सारा काम आपको सीरीज में करना होता है फ्रेंड्स। इसको मैं रख देता हूँ साइड। ये वाला हमारा ग्राउंड है फ्रेंड्स। देखिए -46 वोल्ट और +46 वोल्ट पे वर्क कर रहा है। और एसी वोल्टेज मेजर करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स आपको, एसी वोल्टेज कितना आ रहा है इसमें। देखिए फ्रेंड्स 34.2 और इधर 34.2, वही 35035 का ये ट्रांसफार्मर इसमें लगा है। और डीसी में आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ग्राउंड पे एक प्रोब रखनी है और इसके आउटपुट को चेक करना है
आउटपुट यहाँ पे इसका कोई वोल्टेज डीसी नहीं आ रही है, और यहाँ पे भी डीसी नहीं आ रही है, तो फॉल्ट यहाँ से हो सकता है फ्रेंड्स। यहाँ पे इसके रिले लगी हुई है, और एक फॉल्ट और हो सकता है फ्रेंड्स, कोई आपका स्पीकर इसमें जो शॉर्ट हो जाता है तो वो हो सकता है। तो इसमें से स्पीकर को, स्पीकर की लाइन कट करके दूसरा स्पीकर चला के देख लेना। तो मैं चेक करता हूँ फ्रेंड्स। तो दोस्तों मैं इसके फ्रंट पैनल के अंदर का भी दिखा देता हूँ आपको। ये तो भी लाइट है और ये ऑडियो मिक्सर है। पैंतालीस अट्ठावन आई सी इसमें यूज़ की गई है। और दोस्तों इसमें यहाँ पे ये वाला स्विच जो है ये टूटा हुआ है, तो इसको मैं डायरेक्ट कर दूंगा अभी के लिए। तो देखे फ्रेंड्स, मैंने इसको जम्पर तो कर दिया है, तो अब इसको फटाफट लगा के देखते हैं। और फ्रेंड्स इसमें एक और दिक्कत थी, जो कि यहाँ पे ये वाली 78.5 लगी हुई है आईसी एक, तो इसकी पिंस कार्बन पकड़ गई थी और इसकी जो प्रिंट्स हैं पीसीबी से वो उखड़ चुके थे। तो मैंने उसको डायरेक्ट अलग साइड में पीसीबी को स्क्रैच करके लगा दिया है, और यहाँ पे कैपेसिटर फिल्ट्रेशन के लिए 16 वोल्ट 1000 UF का लगा दिया, और डायरेक्ट वायरिंग कर दी गई है जिससे कि आगे कभी दिक्कत ना हो। तो अब इसको चला के देखते हैं, इसको लगा देते हैं यहाँ पे, और अब यहाँ से वॉल्यूम डाउन कर लूँ पहले। अब इसको यहाँ से ऑन करके देखते हैं, तो देखते हैं इसको चला के। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक 4 इंची का सबवूफर इसको इसमें लगा दिया है, और इसकी लाइन यहाँ से कट करती है इस डीजे, जिससे ये पता चल जाएगा आपको कि ये वाले में अगर ख़राबी होगी तो वो वाला सही चल जाएगा हमारा पीछे सब कुछ, अगर एम्पलीफायर ठीक होगा तो। तो देखते हैं इसको चला के। यहाँ से ऑन कर देते हैं, तो ये लग रहा है बिल्कुल सही आवाज़ दे रहा है फ्रेंड्स। तो दोस्तों इसमें साउंड तो आ चुकी है, और अब है यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे फॉल्ट है, तो यहाँ से इसको खोल के इसके स्पीकर को देखा जाएगा कौन सा शॉर्ट है।